हेलो स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक ले रहे हैं वो ले रहे हैं बिजनेस साइकिल। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक्स का। इसका अदर नेम है ट्रेड साइकिल और कई लोग इसको इकोनॉमिक साइकिल भी बोलते हैं। तो किसी भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है, साइकिल वर्ड इसमें कॉमन है, ध्यान रखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बिजनेस साइकिल होती क्या है? बिजनेस साइकिल रेफर टू इकोनॉमिक वाइड फ्लक्चुएशन। जो इकोनॉमी के अंदर फ्लक्चुएशंस आते हैं उनको बेसिकली बिजनेस साइकिल कहते हैं। कभी इकोनॉमी ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है। इस चीज़ को इन इकोनॉमिक एक्टिविटी ओवर नंबर ऑफ ईयर या नंबर ऑफ मंथ्स, किसी भी पीरियड में इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो फ्लक्चुएशन आते हैं उसी को अपन बिजनेस साइकिल या जो है ट्रेड साइकिल या इकोनॉमिक साइकिल कहते हैं। कहते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी मूव्स थ्रू फेजेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड डिप्रेशन। यानी जो इकोनॉमी है वो मूव करती है प्रॉस्पेरिटी और डिप्रेशन के बीच में। यानी कभी तो बहुत अच्छी हो जाएगी और कभी बहुत नीचे हो जाएगी। दुनिया में ऐसी कोई इकोनॉमी नहीं है जो केवल एक ही फेज पे बनी हुई रहती है। उसमें अप डाउन आएंगे ही आएंगे। हाँ, वो कितने पीरियड के लिए होंगे, कितने समय तक रहेंगे ये नहीं कह सकते, बाकी उसमें अप डाउन आएंगे ये बात तय है। तो बिजनेस साइकिल इज नॉट, वो नहीं है, रेगुलर नहीं है, मतलब रेगुलर इंटरवल्स नहीं है कि हाँ भाई इतने महीने क्या चलेगी। प्रेडिक्टेबल नहीं है, कब होगी ये भी पता नहीं है। और रिपीटेटिव फिनोमिना जो है ये भी तय नहीं है। तो कुल मिलाकर प्रेडिक्टिव नहीं है, रेगुलर नहीं है और रिपीटेटिव फिनोमिना नहीं है। कभी भी हो सकती है, कोई पर्टिकुलर पीरियड में रिपीट होगी ये बात तय नहीं है। तो इसकी डेफिनेशन इन सब चीज़ों को देखते हुए बनती है, अ ट्रेड साइकिल इज कंपोज्ड ऑफ पीरियड ऑफ गुड ट्रेड करेक्टराइज्ड बाय रेजिंग प्राइस बढ़ेंगे, लो एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज, विद पीरियड ऑफ बैड ट्रेड भी आएगा जिसमें प्राइसेस कम हो जाएंगी और एम्प्लॉयमेंट जो है वो हाई एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज। तो कुल मिलाकर एम्प्लॉयमेंट, प्राइसेस और ट्रेड, इन तीनों के बैड एंड गुड टाइम आना और जाना, इसी को ट्रेड साइकिल कहते हैं। सही है, इसी को ट्रेड साइकिल कहते हैं। फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल क्या हैं? पहली बात, सिंक्रोनिक है, मतलब फ्लक्चुएशंस अकर इन ऑल इंडस्ट्री, सिंक्रोनाइज्ड है सभी इंडस्ट्री और सभी एक ही पीरियड में सभी इंडस्ट्री में होगी। यानी इंडस्ट्री ए में भी हो रही है, इंडस्ट्री बी में भी हो रही है और सर्विस सेक्टर ए और बी में हो रही है, मतलब सभी सेक्टर में साथ साथ चलती है। अपन ये नहीं कह सकते कि एक इंडस्ट्री में हो रही है दूसरे में नहीं होगी, कम ज़्यादा हो सकती है लेकिन होगी ये बात तय है। बिजनेस साइकिल जो वो स्ट्रेट लाइन नहीं होती, वो अप डाउन में चलती है। सही है, कभी प्रॉस्पेरिटी है कभी डिप्रेशन है, कभी प्रॉस्पेरिटी है कभी डिप्रेशन है, या इस तरह से जो है वेव में चलती है, ये भी अपन को ध्यान रखना है। फ्लक्चुएशंस आर रिकरिंग इन नेचर, यानी बार बार होते हैं, फेसेस रिपीट होते हैं। कैसे? जैसे बूम के बाद डिप्रेशन आना ही आना है, डिप्रेशन के बाद फिर बूम आना है, तो यानी बूम के बाद डिप्रेशन, डिप्रेशन के बाद फिर बूम के बाद डिप्रेशन, ये एक साइकिल है, रिपीट होती रहेगी, बार बार आएगी, रिपीटेड बट नॉट एट रेगुलर इंटरवल। यानी इंटरवल तय नहीं है, वो महीने भी हो सकता है, दूसरी बार में साल हो सकता है, तीसरी बार में फिर महीने हो सकता है, फिर दो साल हो सकता है, फिर चार साल हो सकता है। यानी रेगुलर इंटरवल नहीं है, रिपीट तो होगा, बार बार होगा, लेकिन कितनी टाइम में होगा ये तय नहीं है। यही बात पॉइंट नंबर फोर में कही गई है, इनडेफिनेट है, यानी देयर इज नो डेफिनेट पीरियड ऑफ डिप्रेशन और बूम। हो सकता है डिप्रेशन चार महीने रहे, बूम चार साल रह जाए, या बूम चार महीने रहे, डिप्रेशन चार साल रह जाए, इनडेफिनेट है, ये अपन को ध्यान रखना है। नॉट सिमेट्रिकल, इसका मतलब है अप एंड डाउन मूवमेंट्स आर नॉट सिमेट्रिकल, मतलब अप डाउन होंगे पर कितने ये नहीं पता। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, ये इस लाइन से यहाँ ऊपर टॉप तक गया, अगली बार आया तो बॉटम लाइन तक नहीं आया, पहले ही मुड़ गया, और टॉप तक वापस नहीं पहुँचा, पहले ही मुड़ गया, अब के बॉटम तक आ गया, पिछली बार नहीं आया था, और अब के टॉप तक वापस चला गया, और अगली बार बॉटम तक पूरा नहीं आया, बीच में ही मुड़ गया। ये इसकी मिडिल लाइन है, ये बूम लाइन है, और ये आपकी डिप्रेशन लाइन है। तो जो कोई जरूरी नहीं है कि ये आएगा, बस नीचे लाइन के आएगा, कितना नीचे आएगा तय नहीं है। ये मिडिल लाइन है, इसके ऊपर जाएगा, इतना ऊपर जाएगा या बीच में ही रह जाएगा पता नहीं है, इतना नीचे आएगा या पूरा नीचे आएगा पता नहीं है, यानी सिमेट्रिकल नहीं होता, ये अपन को ध्यान रखना है। तो अब हम इसके डिफरेंट फेजेस पढ़ने वाले हैं। तो ये देखिए, आपकी ये इकोनॉमी जा रही है, ये एवरेज लाइन है, इस एवरेज लाइन के ऊपर चल जाए तो ये बूम कहलाता है, ये आ जाए तो डिप्रेशन कहलाता है, फिर ये बूम कहलाता है, लाइन के नीचे आ गए डिप्रेशन, इस तरह से। अब इसके इंटरनल भी अगर अपन जाएंगे तो अपन को और चीज़ें सीखने को मिलेंगी। जैसे मैं आपको बताऊँ, ये आपकी आउटपुट और ग्रोथ रेट है, ये आपका टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड ऑफ ट्रेड साइकिल, इसमें ऑल फोर फेजेस कंप्लीट होंगे, और ये आपकी टाइमलाइन है, ये आपका टाइमलाइन है। जब ये एवरेज वाली जो ग्रोथ रेट आपकी ये जा रही है, इसके ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाने का पीरियड प्रॉस्पेरिटी पीरियड कहलाता है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट पार्ट। सही है,
इसमें बढ़ रहा है प्लस रीजन में, इस लाइन से ऊपर प्लस रीजन कहलाएगा, इस लाइन के नीचे माइनस रीजन कहलाएगा। तो जब बढ़ रहा है ये प्रॉस्पेरिटी है, जब ये टॉप पर पीक पे पहुंच जाता है तो फिर ये बूम कहलाता है, सही है, टॉप पे बूम कहलाता है। अब बूम अब ज़्यादा समय तक तो रहेगा नहीं, उसके बाद वो इकोनॉमी नीचे आने लगती है वो प्लस में ही अभी, क्योंकि इस लाइन से ऊपर है। ये सेकंड फेज, ये सेकंड पार्ट कहलाएगा अपना, इसको बोलते हैं रिसेशन। अब ये यहाँ तक आ गया, अब ये हमारी बेस लाइन पर आ गया है, अब ये इसके नीचे जाएगा तो फिर ये थर्ड पार्ट में आ जाएंगे माइनस, इसको बोलेंगे डिप्रेशन। और डिप्रेशन में भी और नीचे 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 आते आते एकदम जब नीचे बॉटम पे आ जाएगा तो ये कहलाएगा टफ। टफ के बाद फोर्थ पार्ट में ये मूव होगा, अब नीचे से वापस ऊपर जाना चालू करेगा, इसको बोलेंगे रिकवरी। ये अभी भी है माइनस में लेकिन बढ़ रहा है क्योंकि हम एवरेज वाली लाइन पर आएंगे, ये रिकवरी सेशन कहलाता है। यहाँ आकर आपकी पूरा जो ट्रेड साइकिल है ना पूरी हुई है, देखो इस तरीके से यहाँ तक आकर। अब वापस से बढ़ा तो फिर यही प्रॉस्पेरिटी, फिर बूम, फिर रिसेशन, फिर डिप्रेशन, फिर टफ, फिर रिकवरी, फिर प्रॉस्पेरिटी। ये इस तरीके से आपका जो है वो इकोनॉमी चलती है। अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक महीने कितने होंगे, या यहाँ से लेके यहाँ तक महीने कितने होंगे, या यहाँ से लेके यहाँ तक महीने कितने होंगे, ये हमें पता नहीं होता, ये प्रेडिक्टेबल नहीं है, इसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो ये आपके पूरी फेजेज होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इनके बारे में डिटेल डिस्कशन में अभी आगे करूँगा, पहले अपन इसको इतना ध्यान दे लें कि ये दोनों फेजेज पॉजिटिव में है और ये दोनों थर्ड एंड फोर्थ ये नेगेटिव में है, सही है। पॉजिटिव में बढ़ रहा है तो प्रॉस्पेरिटी, कम हो रहा है तो रिसेशन, नेगेटिव में कम हो रहा है तो डिप्रेशन, और नेगेटिव में बढ़ रहा है तो रिकवरी। ये पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे।